दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तो वो बदला लेने की सोचता है, मौका ढूंढता है कि कब अपमान का बदला लूं। महाभारत काल में द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो दुर्योधन ने बदला लेने की ठान ली। उसका यह बदला लेना बड़े विनाश का कारण बना। दरअसल हर इंसान की अक्ल और शक्ल अलग अलग होती है। इस दुनिया के कुछ लोग तो परमात्मा को भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। गुस्से में आकर एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को यह तक कह दिया कि मैं राम नहीं हूं जो दुश्मन के पास रह चुकी अपनी पत्नी को अपना लूं। कहना बहुत आसान है, कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है पर बोलने वाले की जुबान कभी नहीं। यदि आपको कभी किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्से से ना भर जाएं, किसी सुलझे इंसान की सलाह लें। यदि सलाह बुरे इंसान की मिली तो वो और भी उकसाएगा, उसने तेरी बेइज्जती की है, अब तू भी बदला ले, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। अच्छा इंसान अच्छी सलाह देकर अच्छा रास्ता बताएगा। एक बार महाराजा रंजीत सिंह कहीं जा रहे थे, अकस्मात एक ढेला आकर उनको लगा। महाराजा को बड़ी तकलीफ हुई, साथी दौड़े और उन्होंने एक बुढ़िया को लाकर उनके सामने पेश कर दिया। बुढ़िया भय के कारण कांप रही थी, उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला, तो मैंने पका बेल देखकर पेड़ पर ढेला फेंका था, बेल टूट जाता तो उसे खिलाकर मैं अपने बच्चे का पेट भर सकती थी। मेरा दुर्भाग्य कि ढेला आपको लग गया, मैं निर्दोष हूं महाराज। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा ने अपने कारिंदों से कहा, बुढ़िया माता को 1,000 रुपए और खाने का सामान देकर आदर पूर्वक घर भेज दो। कारिंदों ने कहा, महाराज ये क्या करते हैं आप, इसने आपको ढेला मारा, इसे तो बदले में कठोर दंड मिलना चाहिए। महाराजा बोले, भाई जब बिना प्राणों और बिना बुद्धि का पेड़ ढेला मारने पर बदले में सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण और बुद्धि वाला इंसान होकर भला कैसे दंडित कर सकता हूँ। पेड़ देते हैं इसलिए वे देवता कहलाते हैं। हम धरती पर थूकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो भी धरती बदले में हमें अनाश देती है। इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर इतना मनमुटाव पैदा कर लेता है कि फिर जिंदगी भारी हो जाती है। जब कुदरत गुस्सा नहीं करती तो इंसान गुस्सा क्यों करता है। बदला लेने की भावना बड़ी खतरनाक होती है, इससे बचना चाहिए, यही हमारे शास्त्र भी बताते हैं। अंत में हमें उम्मीद है कि अब आपको इस बात का बोध हो ही गया होगा कि प्रतिशोध से कुछ भी हासिल नहीं होता, यह तो आगे बढ़ने में एक अवरोध की तरह ही होता है। इसलिए आज से ही आप अपने मन से बदले की भावना को निकालकर खुद को बदल लें। हम जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है, यह भी किसी पहाड़ी को काटने जितना ही मुश्किल है, किंतु यदि आप इस पहाड़ी को काटकर सुरंग बनाने में कामयाब हो गए तो फिर आपके लिए भी सफलताओं के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।